हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो इंडियन बैंक की तरफ से निकल के आया है। इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बिना स्किप किए पूरे वीडियो देखे तो आप लोगों को समझ में आएगा, और आप लोगों को समझ में आएगा तो आप लोगों का अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दिया गया है IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022। इसके अंदर टोटल पोस्ट आया है 710 पोस्ट आया है। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS इसका पोस्ट आया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया गया है IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2002। इसका जो पहला पोस्ट आया है IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए, टोटल पोस्ट है 44 पोस्ट। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर दूसरा जो पोस्ट आया है वो है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, इसके लिए पोस्ट आया है 516 पोस्ट। जो तीन नंबर का पोस्ट आया है राजभाषा अधिकारी स्केल 1, इसका पोस्ट आया है 25 पोस्ट। लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए पोस्ट आया है 10 पोस्ट। HR या फिर पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 पोस्ट के लिए पोस्ट आया है 15 पोस्ट। और मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के लिए पोस्ट आया है 100 पोस्ट। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। एज लिमिट दिया गया है कैंडिडेट एज मस्ट बी बिटवीन 20 to 30 ईयर्स एज ऑन 21/11/2022। यानी कि नवंबर 21 तारीख तक कैंडिडेट्स का एज 20 से लेकर 30 तक होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC नॉन क्रीमरी लेयर के लिए 3 ईयर्स है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए 4 ईयर्स इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और अगर आप लोग के पास इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वालिफिकेशन दिया गया है अगर आप लोगों के पास इनमें से किसी कोर्स नहीं है और दूसरा कोर्स दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, और ग्रेजुएट हैविंग पास्ट DOESCC DOEC B-level, इनमें से किसी एक कोर्स अगर आप लोग पास हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं IT ऑफिसर के लिए। दूसरा जो है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 4 ईयर्स डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंडरी या फिर वेटरनरी साइंस या फिर डायरी साइंस या फिशरीज साइंस या पिसिकल्चर या फिर एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन या फिर कोऑपरेशन एंड बैंकिंग या फिर एग्रो फिशरी या फिर फिशरी या फिर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी या फिर फूड साइंस या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट या फिर फूड टेक्नोलॉजी या फिर डायरी टेक्नोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर सेरिकल्चर, इनमें से किसी एक कोर्स आप लोग अगर आप लोगों को पास हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है राजभाषा अधिकारी स्केल 1 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पे कहा गया है आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके अलावा दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन संस्कृत, संस्कृत से आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। और इसके साथ
इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल में हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए दिया गया है ए बैचलर डिग्री इन लॉ LLB, आप लोगों का बैचलर डिग्री लॉ से बैचलर डिग्री अगर पास हो जाए यानी कि LLB पास हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफिसर स्केल 1 के लिए। इसके साथ दिया गया है एंड एनक्लोज्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, बार काउंसिल से आप लोग बार काउंसिल में काम करना करके आ रहा है इस तरह की आप लोगों का एक्सपीरियंस हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया है ग्रेजुएट एंड 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, आप लोगों के पास अगर आप लोगों का अगर ग्रेजुएट है और इसके साथ 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट में आप लोगों का अगर 2 ईयर्स फुल टाइम मैनेजमेंट हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं HR के लिए। या फिर HRD, या फिर सोशल वर्क, या फिर लेबर लॉ, इनमें से किसी एक पोस्ट, अगर इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के लिए ग्रेजुएट, आप लोगों का ग्रेजुएट पास होना चाहिए एंड 2 ईयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग, आप लोगों का ग्रेजुएट पास होना चाहिए और इसके साथ 2 ईयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग होना चाहिए। इसके अलावा दिया गया है 2 ईयर्स फुल टाइम MBA, अगर आप लोगों के पास 2 ईयर्स फुल टाइम MBA पास हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 2 ईयर्स फुल टाइम PGDBA, या फिर PGDBM, या फिर PGPM, या फिर PGDM विथ एप्लीकेशंस इन मार्केटिंग, इनमें से किसी एक क्वालिफिकेशन अगर आप लोग के पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस दिया गया है SC ST PWBD के लिए 175 रुपीस इंक्लूसिव ऑफ GST के साथ, अदर्स रुपीस दिया गया है 850 इंक्लूसिव ऑफ GST के साथ। पेमेंट मोड दिया गया है ऑनलाइन थ्रो बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इनमें से किसी एक तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट, आप लोग किस तरह की अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, सबसे पहले उस इसका जो इम्पोर्टेंट लिंक है वेब लिंक, उस वेब लिंक में जाना होगा और इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन मिलेगा, वहाँ पे आप लोग को क्लिक करना होगा और इसके बाद एक पेज आएगा रजिस्टर के लिए, आप लोग उस पेज में आप लोगों का डिटेल्स भर के आप लोग रजिस्टर कर आप लोगों को रजिस्टर करना होगा। और इसके बाद आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एक और बटन मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और इसके बाद आप लोगों के सामने एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म में आप लोगों का पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स देना होगा और इसके साथ आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। और इसके बाद पेमेंट एप्लीकेशन फीस, आप लोगों का जो एप्लीकेशन फीस है कैटेगरी वाइज फीस, वो फीस पे करना होगा। तो इसके बाद आप लोगों को सबमिट बटन मिलेगा, उस सबमिट बटन में आप लोगों को क्लिक करके कर देना होगा और आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉर्म प्रिंट आउट करके रख देना, क्योंकि आप लोगों का ये पारदार काम आएगा। इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन November 1, 2022 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 21 November 2022, यानी कि नवंबर 21 तारीख तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमरी 24 and 31 December 2022, इसके लिए जो प्रिलिमरी एग्जाम पहला होगा वो एग्जाम आप लोगों का 24 and 31 December में होगा और इसका जो मेंस एग्जाम है वो आप लोगों का 29 January 2023 में होगा। सो फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे जाके पूरे डिटेल्स चेक कर सकते हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।